आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा प्रभा में तो बेटा आप लोग आज देख कर के आए हो अपना प्री बोर्ड एग्जाम मैथ्स का क्लास टेंथ वाले बच्चे तो ये बेसिक मैथ्स बेसिक आपका मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रही हूँ बेटा ऑफिशियल आंसर की तो आप लोगों की छः बजे आएगी लेकिन उससे पहले हमने इस पेपर को सॉल्व किया है तो देख लेते हैं किस तरह से कौन सा क्वेश्चन हमें करना था और क्या होगा आपके क्वेश्चंस के राइट आंसर्स मेनली uh, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर्स जानने की ज़्यादा इच्छा रहती है तो सेक्शन ए को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे बेटा आ, लेकिन उससे पहले अगर आप शिक्षा प्रभाव पर पहली बार आए हैं या फिर आपने पहले शिक्षा प्रभाव को सब्सक्राइब नहीं किया तो शिक्षा प्रभाव को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अपनी ऑफिशियल आंसर कीज़ के लिए पेपर सॉल्यूशन के लिए सीबीएसई बी एस पेपर मॉडल टेस्ट पेपर रिजल्ट और बाकी सी अपडेट्स के लिए और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सभी के लिए एक क्यूट सा थैंक यू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो वीडियो को लाइक करते हो शेयर करते हो उसी से मोटिवेशन मिलता है दूसरी वीडियोस को बनाने के लिए और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दो पॉजिटिव इंटीगर्स आपको दिए गए हैं एम और एन तो आप लोगों को एम दिया है पी क्यू क्यूब और एन दिया गया है पी क्यू क्यू स्क्वायर आपको इसका एस निकालना है और एस क्या होता है कॉमन फैक्टर तो इन दोनों में जो कॉमन है वो निकालेंगे हम पी uh, क्यू में देखेंगे पी सबसे मतलब एक आ, पी के अंदर जब कोई पावर नहीं दे रखी है तो वन पावर हर जगह कंसिडर होती है तो पी की एक पावर दोनों जगह हमें ईजिली मिल रही है और क्यों की दो पावर हमें मिल रही हैं एन में क्योंकि दो पावर हैं और क्योंकि थ्री पावर है एम में तो यानी कि एक वहाँ से छोड़ सकते हैं तो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर इसके अंदर क्या निकल के आ रहा है बेटा पी क्यू स्क्वायर तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन में तो निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद के शून्यकों का योगफल शून्यों के गुणनफल के समान है तो शून्यक का जो योगफल होता है वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए है ना जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और जो आपका गुणनफल होता है यानी कि अल्फा बीटा अगर हम गुणनफल करें तो सी अपॉन ए और ये चीज़ जो है वो इक्वल है तो हमें जब हम इसको टैली करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है बी वो करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आएगा इस फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर तीन है निम्न में से कौन सी रेखा इसके समानांतर नहीं है किसकी किस, कि, किस लाइन के पैरेलल नहीं है टू एक्स माइनस थ्री वाई इजिकल टू फाइव के पैरेलल नहीं है तो अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पर तो ये टू और थ्री यहाँ टू का डबल फोर और थ्री का डबल सिक्स सेम यहाँ टू का ट्रिपल सिक्स और थ्री का ट्रिपल नाइन एक यही वाली यानी कि डी जो है वो सेम है बस उसके अंदर ये जो चिन्ह है माइनस का वो यहाँ पर प्लस हो गया है ठीक है बस यही डिफरेंस है फोर है यदि समीकरण नाइन एक्स टू प्लस सिक्स के एक्स प्लस फोर के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए और मूल समान वाला क्या फॉर्मूला होता है डीजिकल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगाएंगे हम इस इक्वेशन में तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा फोर का सी प्लस माइनस टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे बढ़ते हैं इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी ए पी के अगर पहले एन पदों का जो योग फल है वो एन स्क्वायर है यानी कि एस एम दे रखा है उन्होंने एन स्क्वायर तो इसका एंथ टर्म निकालना है तो इसके अंदर हमें एस वन ए की वैल्यू वन रख देनी है फिर टू रख देनी है इस तरह से करके हमें डी आइडेंटिफाई कर लेना है और इस तरह से जब हम इस चीज को डी और ए को वन मान के आइडेंटिफाई करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा फिफ्थ का सी टू एन माइनस वन क्वेश्चन नंबर सिक्स में यदि एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद टू पी प्लस थ्री फिफ्टीन फाइव पी माइनस वन ठीक है आ, तो हमें पी का मान निकालना है तो ए पी के अंदर क्या चीज़ कॉमन होती है डी कॉमन होता है ठीक है तो इसके अंदर हमें सबसे पहले ये देख लेना है हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि डी कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा समझिए हम रख रहे हैं फोर को सबसे पहले हम फोर रख रहे हैं तो फोर को अगर हम टू पी प्लस थ्री में रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी फोर टू जा एट प्लस थ्री इलेवन सेकेंड पद पंद्रह है ही और अगर हम उसके तीसरे पद में पी की वैल्यू फोर रखेंगे तो फोर फाइव जा ट्वेंटी ट्वेंटी में से वन लेस करेंगे नाइनटीन तो पहला पद ग्यारह पंद्रह और उन्नीस और इनके बीच चार चार का डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर क्योंकि इसको हमने ऑप्शन से टैली कर लिया तो सिक्स का सही आंसर होगा ए क्वेश्चन नंबर सेवन निम्न में से कौन सा बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है तो बेटा आप लोगों ने वो दूरी वाला चैप्टर है ना निर्देशांक जानती चैप्टर नंबर सेवन तो उसके अंदर ए और बी और समदूरस्थ पॉइंट हम समझ लेते हैं कि ओ पॉइंट है तो हमें निकालना है ओ ए और ए बी तो इसके पॉइंट्स निकालने हैं तो वो जो निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन बी जब आप इसको निकाल करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट यदि बिंदु वन टू फोर थ्री एक्स सिक्स और थ्री फाइव एक समानांतर चतुर्भुज के सीर्स हैं तो एक्स का मान निकालिए अब आपको पता है समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो आपस में जो उनका मध्य बिंदु है वो इक्वल आएगा दोनों विकर्ण का जो मध्य बिंदु है वो बराबर आएगा तो एक विकर्ण तो निकाल लोगे समझो कि हमने इसको ए बी सी डी तो एक विकर्ण तो हो जाएगा ए सी और दूसरा विकर्ण हो जाएगा बी डी तो हम ए सी करेंगे और हम दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे सॉरी मिड टर्म्स मि, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू है ना ए सी के साथ और फिर इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे बी डी के साथ वही एक्स वन प्लस एक्स टू करके तो इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि छः हमारी वैल्यू निकल के आएगी एक्स की छः क्वेश्चन नंबर नाइन है ए बराबर सी है ए बी छः है ए पी बारह है सी पी चार है तो सी डी की लंबाई निकालिए तो हमें निकालना है सी डी अगर हम देखते हैं बेटा तो इसको बस बिल्कुल कॉमन से, से इस क्वेश्चन को कर देना है बहुत ज्यादा डीपली इसके अंदर जाना नहीं है ए बी बारह है तब ए बी छ है ए पी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ए पी बारह है तब ये छः है जब ये चार है, है ना जब ये पी सी चार है तो ये कितना होगा जब ये छः था ये बारह था ये बारह था ये चार है तो इसको अगर हम दो मानेंगे तभी तो ना चारिया बारह और छो दो दो या छः तो ये कॉमन सेंस बिना सॉल्व करे बहुत जल्दी से एम सी क्यों हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी टेंथ क्वेश्चन है आकृति में डी ई समलम बी सी ये सब दे रखा है ये सब दे रखा है ए सी का मान आपको निकालना है तो ये इस तरह से जो हम सवाल करते थे कैसे करते थे ये कर हम लोग करते थे आप लोग तो कर ही रहे हैं तो ए डी बेटा आपको तीन दिया है और डी बी पाँच दिया है और ये ए सी पूरा आपको फोर पॉइंट एट दिया है तो इस चीज़ को जब आप समानुपात में करके सॉल्व करेंगे तो बेटा इसका सही आंसर आएगा आपका ए वन पॉइंट एट ठीक है बेटा किस तरह से ये थ्री प्लस फाइव को ऐड कर लेंगे थ्री अपॉन एट और इसी तरह से एक्स अपॉन फोर पॉइंट एट और क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वो सब मैं बता देती हूँ थ्री सॉरी फिर से हट गया तो थ्री था और ये थ्री और फाइव एट हो जा रहा था और ऐसे इक्वल करके एक्स और ये फोर पॉइंट एट बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जब आप तो आपका आंसर आ जाएगा ए वन पॉइंट एट क्वेश्चन नंबर ग्यारह में ए बी सी का परिमाप पूछा है बहुत सिंपल सा वो टेंजेंट बराबर होती है ना बस वही वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सिक्स है तो ये सिक्स ये फाइव है तो ये फाइव ये फोर है तो ये फोर और फिर इन सबको जोड़ दो तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी यानी कि ऑप्शन डी थर्टीज़ इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आप लोगों से पूछा है कि तीन सेंटीमीटर त्रिज्या है स्पर्श रेखा चार है तो अब आपको बिल्कुल इसके अंदर सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम लगानी है पाइथागोरस पता ना मतलब कर्ण का वर्ग इज तो इक्वल टू आधार का वर्ग और लम का वर्ग ऐसे करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी फाइव थर्टीन क्वेश्चन में कोस ए आपको वन बाय टू दे रखा है और कोस ए वन बाय टू वैल्यू होती है सिक्सटी की इसी तरह से ये साइन भी वन बाई टू वैल्यू होती है थर्टी की अब ए और बी जोड़ दो एक सिक्सटी आ गया एक थर्टी आ गया तो कितना आ गया नाइन्टी तो आपका करेक्ट आंसर है थर्टीन का सी नाइन्टीन फोर्टीन में टू कोस थ्री थीटा इज इजिकल टू वन है तो थीटा का मान आप लोगों को निकालना है तो अगर हम इसको इक्वेशन uh, को कोस थ्री थीटा इज इक्वल टू वन बाय टू लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दो इसके साथ आ जाएगा अब कोर्स वन बाय टू किसकी वैल्यू होती है सिक्सटी की वैल्यू होती है अब थीटा के आगे इन्होंने तीन पहले ही लिख रखा है तो तीन से डिवाइड करना पड़ेगा तो इस तरह से करके ट्वेंटी और हमारा करेक्ट आंसर कहाँ है कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन डी ट्वेंटी तो फोर्टीन का आंसर होगा ऑप्शन डी कोण पी क्यू आर में क्यों समकोण है और ये सब, ये सब ये सब ये सब इसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है ट्रिक के अनुसार इसका आंसर है आप लोगों का सी सिक्सटी ये नाइन्टी है तो ये छोटा कोण है और पी थोड़ा बड़ा कोण है तो हमने आंसर टेडी कर लिया नाइन्टी तो हो नहीं सकता क्योंकि एक नाइन्टी है तो पी नाइन्टी होगा नहीं और क्योंकि पी क्यू और आर क्यूँ बराबर नहीं है और क्योंकि बराबर होंगी तभी फोर्टी फाइव एंड फोर्टी फाइव आंसर होगा तो नाइनटी एंड फोर्टी फाइव चला जाता है बस का सिक्सटी और थर्टी है तो वो बड़ा कौन है इस कारण से थर्टी सॉल्व करना है तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं बाकी अगर कोई जल्दी से सॉल्व हो रहा है तो इसी तरह से कर देना चाहिए यदि एक व्रत के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल व्रत के क्षेत्रफल का वन बाय थ्री भाग है तो खंड का कौन खंड में अब जाहिर सी बात है खंड में जब हम सारे खंड को तीनों खंड को जोड़ देंगे तो एक सर्कल बनेगा ठीक है उस सर्कल का वन बाय थ्री जो है व्रत के क्षेत्रफल का भाग है ठीक है तो इसको वन बाय थ्री मतलब पूरे सर्कल का अगर देखें तो वो तीन सौ साठ डिग्री होता है तो हम क्या करेंगे तीन सौ साठ डिग्री को डिवाइड कर देंगे थ्री से तो कितना आया वन ट्वेंटी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना ऑप्शन डी वन ट्वेंटी है पी ई जीरो पॉइंट नाइन थ्री वन है तो पी ई e नहीं है सिंपल सी बात है पी e ही इतना है तो क्या होगा बिल्कुल बिल्कुल ही सरल वन में से ज़ीरो पॉइंट नाइन थ्री फाइव को डिवाइड डिवाइड कर सॉरी माइनस कर देंगे सब्ट कर देंगे तो आंसर क्या बचेगा बी इज टू ज़ीरो पॉइंट जीरो सिक्स फाइव तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है एटीन एक पास को एक बार फेंका जाए तो सम संख्या पास में सम संख्या कौन कौन सी होती है दो चार छ छ अंक में से ये तीन अंक आ गए तो क्या हो गया तीन बटे छ एक बटा दो तो क्या है हमारा करेक्ट आंसर एटीन का ए वन बाय टू इसकी प्रोबेबिलिटी है नाइनटीन में आपको दे रखा है ए बी सी में बी का मध्य बिंदु पी है सी का मध्य बिंदु क्यू है तो वो आपको थे पता है ना तो सेम वही वाला तो पी क्यू समानांतर बी सी होगा अगर मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाऊं तो ये हो गया डायग्राम ए बी सी ए बी का मध्य बिंदु पी और ए सी का मध्य बिंदु Q तो पी क्यू समानांतर बी सी होगा बिल्कुल होगा हमने थ्योरम पढ़ी है दूसरा कह रहा है यदि एक रेखा एक त्रिभुज की किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है बिल्कुल सही तो कथन ए भी सही है कारण आर भी सही है और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कथन ए थीटा फोर्टी फाइव है तो साइन थीटा, कोस थीटा बराबर होगा बिल्कुल ही सही कह रहा है भाई तो साइन थीटा अगर पैंतालीस है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वन बाय अंडर रूट टू और कोस अगर पैतालीस है तो उसकी वैल्यू क्या होगी वन बायर रूट टू तो ये तो बिल्कुल सही है थीटा पैंतालीस है तो साइन कोस दोनों की वैल्यू बराबर है कारण थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होंगे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे साइन थर्टी अगर हम लेते हैं तो साइन थर्टी की वैल्यू क्या है वन बाय टू और अगर हम कोस थर्टी लेते हैं तो कोस थर्टी की वैल्यू क्या है अंडर रूट थ्री बाय टू तो थर्टी पे ही बदल गया यानी कि ये सेम है सिर्फ किस पे फोर्टी फाइव पे तो हम किस पर जाएंगे आंसर में कि मतलब ए सही है लेकिन जो बी कथन है यानी कि आर कथन है वो गलत है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सी अब इसके बाद बेटा आपके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो कि दो नंबर के हैं तो इसको आप लोग ऐसे सॉल्व कर करके ही करोगे ठीक है लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे तो इनकी आंसर की आप ऑफिशियल आंसर की इवनिंग में छह बजे आ जाएगी वहां पे आप लोग देख लेना बाकी थोड़ा थोड़ा तो जैसे इसको भाज्य संख्या है क्या तो आप लोगों को भाज्य नियम तो कंपोसाइट्स नंबर मतलब तो पता ही होगा तो वो दो से कौन सी संख्या विभाजित होती है तीन से कौन सी होती है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके फिर देख लेना है कि वो किस किस से डिवाइड हो रही है एंड लिख देना है उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि नाइन्टी सिक्स एंड फोर जीरो फोर का एस सी एफ़ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि आपको पता ही है एस सी एफ निकालना है यानी कि कॉमन फैक्टर निकालने हैं नाइन्टी सिक्स एंड फोर जीरो फोर के इसी तरह से अब ये आपका शुरू हो गया अब आपके कुछ क्वेश्चन थे मैंने देखे थे जो वन वर्ड थे सॉल्व करना था मतलब कि ये केस स्टडी वाला ना तो मतलब जैसे एक केस स्टडी में इसमें इन्होंने दे रखा है कि अगर तुम ए बी सी डी को जोड़ोगे तो क्या बनेगा चतुर्भुज बनेगा तो फर्स्ट का आंसर चतुर्भुज हो जाएगा ए डी को वन वन पात दो में विभाजित करना है तो वो सब तो बेटा सॉल्व ही करना है थोड़ा थोड़ा तो आप बाकी जो पेपर है उसकी ऑफिशियल आंसर की छः बजे आ जाएगी वहाँ पर आप लोग अपने बाकी पेपर का जो सॉल्यूशन है आंसर्स हैं देख सकते हैं मैच कर सकते हैं और बेटा आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना है दोस्तों के साथ शेयर करना है क्लास ग्रुप में शेयर करना है चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर दें और स्टैंडर्ड वाले बच्चे बताएं कि उनको इस तरह से अगर अपने पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर दें मैं उनके लिए भी एक वीडियो प्रिपेयर कर दूँगी थैंक्स फॉर वॉचिंग